तो भाई गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। अपना दिन स्टार्ट हो रहा है गाड़ी के साथ, बाहर निकल रहे हैं घर वालों के साथ। ठीक है, देखते हैं आज के क्या प्लान्स है। अभी तक हमें किसी को कुछ नहीं पता, बहुत दिनों से सब घर पे ही थे, कहीं जाना ऐसा हो नहीं पा रहा था। मम्मी की तबीयत भी ऐसी थी, तो आज फाइनली सभी घर पे थे, तो हमने डिसाइड किया है कि चलो एक बार थोड़ा बाहर को हुआ है, मूड फ्रेश होगा, तो सब तैयार व्यार होकर निकल गए हैं। बीच में एक जगह पे गाड़ी भी धुलवाएंगे, रुकवा के, बहुत गंदी हो रही है, कल देख ही लिया होगा ब्लॉग में। तो करते हैं अभी सबसे बात, फिलहाल थोड़ी देर में निकलते हैं पहले यहाँ से, फिर देखते हैं आगे क्या सिस्टम होता है। फिलहाल गाड़ी को बैक कर लेते हैं, पीछे बहुत लोग हैं। तैयार, वहाँ से हमने अपना सारा काम निपटा लिया, गाड़ी अभी तक नहीं धुली है, गाड़ी धुलने के लिए हम बाद में जाएंगे। बट उसके अलावा हमने यहाँ से खाए एक रेडी वाले से मस्त राजमा चावल, जो बिल्कुल भी मस्त नहीं थे। थे मम्मी मस्त है? मम्मी कैसा लगा? अच्छा लगा? आपको कैसा लगा? बेकार था। सुनान सा नहीं, तब भी एक प्लेट चाट दी है। और यहाँ पे भी बहुत भयंकर जाम है, अब मेरे को नहीं पता। एक तो हम बीच रोड पर रुके हैं, अब यहाँ से निकलना कैसे है, बस ये एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार जाम से फ्री होते फिर करते हैं सबसे मुलाकात। और भाई साहब, ये देहरादून का ट्रैफिक, ये देखो, हर संडे को जब भी बाहर निकलो और ट्रैफिक ऐसा पाओ। सुनो, बेल्ट लगा भाई, बेल्ट। ये तो फिर भी एक साइड का ही है, अपनी साइड अब भी जाके खाली है, मतलब तब से वहाँ से ट्रैफिक में निकला हुआ। हाँ, ये देखो, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे, इस पे भूला थी ये, जब जब हम छोटे थे। सुना, तेरे को तो नहीं याद होगा ना, छोटे मामा आते थे तुम्हें याद है? अरे वो क्या होता है, बेसन का बनाता है लड्डू, बेसन का लड्डू। अरे जब मैं घर में भी बनाया था लड्डू, ढोकला। बट यहाँ पे ज्यादातर लोग वो आते हैं लस्सी पीने, ये पहले बहुत फेमस था, बट अब कोई ऐसा मतलब इसको भाव देता नहीं है ज्यादा, अब तो बहुत सारी हो गई, पहले बहुत ज्यादा फेमस था यहाँ पे। ठीक है, जानते हैं मतलब वैसे बाय नेम इसको बहुत लोग जानते हैं, बट वैसा ही हो गया सिस्टम। तो मम्मी को थोड़ा मीठा वीठा खाने का मन था, तो वो लोग जा रहे हैं और अपन यहीं पे बैठे हैं दोनों भाई बहन, आराम से दिन दुनिया से हम लोगों ने वो ले लिया है परहेज। ठीक है, संन्यास ले लिया तुमने, ठीक है भाई। और इसके बाद जो है वापस से कान में कुछ पहन लें, अपना छेद इससे पहले बंद हो जाए। तो अपने कुछ सैलरी वैलरी आ गई थी जोमेटो की, ठीक है, वैसे तो बहुत लेट आई है, पता 1.5 महीने बाद मेरे छोड़ने के, तब जोमेटो ने हमें वो दिया है खर्चा पानी हमारा। ठीक है, तो सैलरी आ गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ एक या तो ये बनवा लेता हूँ एक गोल अपना, जैसे मेरा पहला था ना, मेरा पहला वाला इसने पहना है, इधर आप कान लेके चल, मेरे पहले वाला ना इसने पहना है, ये मेरे दो थे ये एक ही कान में, तो या तो ऐसा ही बनवाएंगे एक मोटा थोड़ा सा, ठीक है, मैंने ढूंढ रखा है, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी चैन मोटी करवा लूँ। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा क्या करवाऊँ, ये वाली जो है ये थोड़ी पतली लगती है मेरे को, मतलब ऐसे देखो तो एक इसको मोटा करवाना है। ठीक है, अब मेरे पास तो आज मम्मी बाहर गई हुई ना, ओ देखो गाइस का पल्स आ रहे हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ से दिखाऊँ, एक तो हैंग यो आ रहे, देखो गाइस यो रे यो रे यो रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नो तो डैडी शादी में भी पजामे में जाने को तैयार है, आज डैडी मार्केट आ रखे तो कोर्ट में। गाइज हमने सोचा आज मम्मी के प्रैंक करेंगे गाइज, प्रैंक। हाँ जी, तो यार वहाँ से अपना सारा सिस्टम हो गया डन और घर भी वापस आ गए हैं। हाँ तो यार अभी बात कर लेते हैं व्लॉग का, तो हाँ मेरे को पता है ना व्लॉग बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके दो तीन रीजंस है, एक तो यार घर पे काम चल रहा है, मैं अभी मतलब ऊपर ही जा रहा हूँ, तब दिखाता हूँ क्या चल रहा है, तो एक घर पे ऊपर काम चल रहा है। दूसरा यार आजकल ना व्लॉग का ये हो पा रहा था कि कंटेंट नहीं आ पा रहा था, अब बाहर घूमने जाओ कॉलेज जाओ ना तो कुछ ना कुछ हो जाता था कि डाल लो, अब घर पे डेली रूटीन के हिसाब से मैं क्या बनाऊं। बट मैंने सोचा है अब से डेली कंटेंट आएगा, डेली व्लॉग्स वापस से कंटिन्यू हो जाएंगे, तो जो ये अपना ब्रेक आया था बीच में इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, मतलब वो कुछ मेरी लापरवाही से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, सब चीज़ ऐसी हैं। ठीक है, बाकी अपना सबको बताया कि अपना एक एनजीओ है मेरा, जनपद प्रेरणा समिति के नाम से, ठीक है, JPS, जो अब ट्रस्ट भी बनने वाला है, तो एनजीओ अलग हो गया, अपना ट्रस्ट कुछ दिनों में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो वो आगे आए, वॉलंटियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल। ठीक है, अभी हम क्रिसमस पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे, न्यू ईयर पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करेंगे, जाएंगे, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब कुछ है, तो जिस किसी को भी इसमें पार्ट लेना हो वो यार मोस्ट वेलकम है। ठीक है, जिस किसी को कुछ डोनेट करना हो वो भी मोस्ट वेलकम है, यू कैन। ठीक है, बाकी व्लॉग सबसे कंटिन्यू होने वाले हैं, सबको बहुत ज़्यादा सॉरी कि यार अपना डिसकंटिन्यू कर दिया था हमने कुछ टाइम से, रीजंस मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बहुत सारा काम था और वही बच्चों के लिए अब ऊपर हम लोग वॉशरूम बनवा रहे हैं, क्योंकि क्या इशू होता था कि जो हमारा वॉशरूम था वो नीचे वाले फ्लोर पर था,
तो बच्चों को दिक्कत होती थी ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। तो उसका घर पे काम शुरू हो रहा है। अब फोर्थ फ्लोर पे जब काम हो ना तो ऊपर पे बहुत दिक्कत हो जाती है, सामान लाना ले जाना वो तो खैर उन्हीं को करना है, बट उनको देख रेख करना जो लेबर्स आते हैं वो यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। घर पे और कोई है नहीं, मम्मा की तबीयत ऐसी है, पापा जॉब कर रहे हैं, बहन स्कूल जा रही है, तो फिर मेरे को ही देखना पड़ता है। तो इस चक्कर में व्लॉग नहीं हो पाता, बट अब से फॉर श्योर व्लॉग्स कंटिन्यू आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, याद से, बिल्कुल याद से, ठीक है, भूलना मत। बाकी ऊपर चलते एक बार देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा। तो यार ऊपर से नीचे आ चुके हैं और अपना व्लॉग वॉक का टाइम भी हो चुका है, तो चल रहे हैं फिलहाल वॉक के लिए, ठीक है। अपना ये स्क्रिबल डे के बाद से ना एक कोट यहीं टंगा है, ये मेरा वाले का स्क्रिबल डे का है, ये सुनांशा वाले का है, ये सुनांशा वाले का है, और अपनी जो शर्ट वाला है अपने स्कूल के टाइम का वो अलग टंगा है, ठीक है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो फिलहाल चल रहे हैं वॉक के लिए और फिर आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है। फिलहाल तो कोई प्लान है नहीं, बस वॉक पे जा रहे हैं। चलो ओके। अच्छा वीडियो बन रही है क्या? हाँ गाइस। इसे वैसे ना तो कैमरा देखते ही मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। अपन लोग आए थे वॉक पे, ठीक है, ठीक है गाइस। तब हम पी रहे हैं चाय। यस वी आर ऑन वॉक फॉर टी, बट मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूँ, हमारी चाय पीने की जगह नाले के पीछे, नाले के ऊपर। हमें जब तक हमारी नाक और गला साथ में तर बदर ना हो ना तब तक चाय में मजा नहीं आता गाइस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जगह नहीं है, देखो बैठने की जगह यहाँ पे भी है, फिर इस साइड को भी है, फिर इधर को भी है, बट हम नाले में बैठे गाइस। अपना चाय वाय हमने पी ली है, ठीक है, तो अब निकल रहे घर की तरफ को और अभी देखते हैं रास्ते में, अगर कभी मोमोज खाने रुक गए अभी हमारा प्लान तो है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सोचा नहीं मैंने आपको क्या बेइज्जती करनी है, आप खुद ही बेइज्जती हो क्योंकि आपकी क्या बेइज्जती करूं मैं। मत काटना, जबरदस्ती का है, जबरदस्ती का कोई लेना देना नहीं है इसे, बोलने को कुछ ना इस पे, ठीक है। बेइज्जती को यूं यूं बेइज्जती को यूं क्या बेइज्जती करनी है वो तो बताना होता है, यही कि आप बेइज्जती खुद हो, आपकी क्या बेइज्जती करूं मैं। गाइस इग्नोर हर, तभी मैं अच्छा बेटा, जस्ट द वे आई इग्नोर सर। हु आर यू देखो कैसे भुक्के दिखाऊंगा अभी, अब वही कुत्ते की तरह झपट लिया इसमें, छीन गया वहां क्यों रखा इसमें ना, ये भी दिखाई कि कैसे मुंह छुपाया है ताकि दिखे ना। मैं एक सेकंड पक्का मैं खाऊंगा सारा, पक्की बात, लाओ उधर एक सेकंड, दो उधर एक सेकंड, ये हाथ का क्या हो रहा है, ये अपना सिस्टम सेट हुआ था, बात हुई थी कि वो करना है, कान वान का चेंज करवाना था मेरे को, तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं सुनार के पास, पहले पैसे निकाल देते हैं अपने जो बचे हुए थे, एटीएम ही आ रखे थे, तो ये वाले पैसे निकाल के फिर चलते हैं। मैं मेरे पास अभी भी दो चॉइस है, या तो मैं इसको मोटी करवाऊंगा या फिर कान का, अब वो देखते हैं उन दोनों में से क्या करवाना है, ठीक है। पैसा अपना निकल चुका है बढ़िया करके, जितना अपनी सेविंग्स थे हमने सारे निकाल दिए, बहुत पैसा है हमारे पास, क्या करूँ, नहीं चाहिए भाई हमें नहीं देखना, बार बार हमारे को दिखाओगे इतना बकाया राशि में 14 रुपये, ठीक है। तो चलो यार यहाँ से चल रहे हैं, इसके बाद देखते हैं आगे कितने का क्या पड़ता है, ठीक है। सीन है वो ये कि बॉक्स से घर आ चुके हैं, ठीक है, जस्ट आया था और वापस अपनी इंटर्नशिप पे जा रहा हूँ, ये मेरी इंटर्नशिप बर्तन धोने की, ठीक है, यहाँ दिख रही होगी कितनी ज़्यादा बर्तन बच रहे हैं अभी, बट ऐसे ही नहीं, साथ में मैंने यह किया कि मेरी एक, मैंने सोचा कि यार काम करते करते वहाँ पे यहाँ पे एक मूवी लगा लेंगे और बगल में बैठे बैठे एयरबड्स कनेक्ट करके मूवी भी देख लेंगे साथ साथ, ठीक है। बाकी किचन बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा, इसको भी संभालना है अभी, तो एक काम करते हैं पहले ही वाला सिस्टम अपना संभाल लेते हैं, उसके बाद आगे की सबसे वार्तालाप करेंगे, ठीक है, ओके जी टाटा। तो यार अपने हिस्से का सारा काम हो चुका है और इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर दें, ठीक है। बाकी अपना एक दो दिन में बहुत बढ़िया ब्लॉग आने वाला है, एक नंबर वाला ब्लॉग आएगा भाई अब, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैंने मस्त वो शुरू हो गया है अपना कंटेंट आना, ठीक है। बाकी मेरे को एक और चीज यार कमेंट करके बता देना, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम वो कर दें शॉर्ट मूवी टाइप क्लिप्स टाइप वाली वीडियोज बनाना स्टार्ट कर दें, मेरे पास टीम तैयार हो चुकी है, 2-3 लोग मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो बताना कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ठीक है, एक एक मतलब टीम भी है और स्क्रिप्ट भी है,
बस मैं सोच रहा हूँ कि पहले सबसे पूछ ले, उसके बाद जो उसका शूट करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, कैमरे वाला सब एकदम बढ़िया टीम के साथ मिलके, ठीक है? तो मेरे को कमेंट करके यार याद से बता देना कि करें या ना करें, ठीक है? जस्ट आइडिया है, तो हमारे पास कंटेंट भी हो जाएगा, एक थोड़ी सीरीज टाइप भी आ जाएगी, शॉर्ट फिल्म 10-15-20 मिनट वाली, ठीक है? तो मेरे को याद से बता देना, ठीक है? चलो ओके, सी यू, तब तक टाटा, गुड नाइट।